गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, मंडे के लिए आप निफ्टी 50 में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे और सपोर्ट होंगे, और ऑप्शन चेन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग हम अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। अगर आप फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसकी एनालिसिस की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की और देखते हैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट पर हमारा क्या बना हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि निफ्टी का जो हमारा यहां पर ऑल टाइम हाई था 18,800 यहां पर 80 का, तो मार्केट ने अपने इस वीक उस ऑल टाइम हाई को यहां पर टच किया है। अगर आप पहले भी बात करें तो यहां पर मार्केट ने इसके ऑल टाइम हाई को टच किया था, यानी ये अब हमारा यहां से डबल टॉप पैटर्न वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा बन चुका है। अगर अब हम इसके एनालिसिस करें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब की, तो आप यहां देख सकते हैं कि जब पिछली बार लास्ट टाइम यहाँ पर हमारी कोई बियरिश कैंडल बनी थी और उसे नेक्स्ट वीक जब मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया था, तो मार्केट में हमारी कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग आई थी। और अभी भी अगर अब बात करें तो इसी लेवल पर हमारी ये बियरिश कैंडल बनी है, और जब मार्केट अपने इसी कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो मार्केट में यहाँ से फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग नज़र आएगी, क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच किया है, फिर निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, और इस वीक हमारी निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है। तो मार्केट में अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आएगी। अब बात करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की। अगर डेली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न हमारा बना है निफ्टी में भी, और इसके हिसाब से भी अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा एक एम पैटर्न भी है। अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हो जाती है, जो कि हमारा ग्लोबल सिनेरियो हमारा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डो जोन्स है जो वो भी हमारी नेगेटिव है और एसजीएक्स भी जो है वो भी हमारी नेगेटिव है, तो मंडे को मार्केट के जो चांस है वो हमारे यहाँ पर नेगेटिव यानी गैप डाउन ओपनिंग होने के ही हैं। तो मार्केट अगर इस एम पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमारा ये पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारा यहाँ पर 18,000 यहाँ पर 600 निकल कर आएगा। अगर ये लेवल भी हमारा मार्केट में ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में आपको जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा, यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम आपको जो सपोर्ट बताएं, तो वो हमारा यहाँ पर 18,000 यहाँ पर 400 हमारा रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके कौन से इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट अब निकल कर आएंगे, क्योंकि अगर आप ये सभी चीज़ों को जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एम पैटर्न यहाँ पर बना है ये हमारा यहाँ रेजिस्टेंस पर बना है, और जब भी कोई पैटर्न हमारा रेजिस्टेंस पर बनता है तो उसके टारगेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मंडे को ही यहाँ पे डायरेक्ट आपको 18,400 यहाँ पर आपको नज़र आए, तो यहाँ बीच में भी हमारे उससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको मंडे को कैसे ट्रेड लेनी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन से निकल कर आएंगे। इससे पहले तो हम बात करते हैं कि ये हमारी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है जो कि ये सपोर्ट के तरीके से काम कर रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ आ रही है तो मार्केट में हमें यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और अब भी मार्केट ने इसी लेवल के अपसाइड ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है, इसी ट्रेंड लाइन के अपसाइड ही। और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड ट्रेड करेगी तब तक मार्केट में हमें बायर्स एक्टिव नज़र आएंगे, लेकिन अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हो जाती है, जो कि हमारा ग्लोबल सिनेरियो हमें इंडिकेट कर रहा है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे लेनी है अब हम ये समझते हैं। मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, यानी अगर इस 18,600 के लेवल पर मार्केट ओपन हो जाती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाती है, यानी इसी ट्रेंड लाइन को वापस से मार्केट यहाँ पर टेस्ट करती है और देन मार्केट यहीं से कोई बियरिश पैटर्न बनाती है, तो आपको अपनी पुट साइड यहाँ पर पोजीशन बनाकर चलनी है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहने वाली है। यानी मार्केट गैप डाउन ओपन हो, यहाँ से मार्केट एज ए इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के यहाँ से डाउन साइड हो, तो आपके लिए ये सेफ एंट्री होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
होगा कि मार्केट में इस ट्रेंड लाइन पर आपको ट्रेड कैसे लेनी है। बाई चांस अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अपसाइड सस्टेन होती है, यानी 5 to 15 मिनट मार्केट कंसोलिडेट होती है और देन मार्केट अपना डाउन साइड मूव देती है, देन फिर भी आप अपनी यहाँ पर पुट पोजिशन को बनाकर चल सकते हैं, जो कि आपके लिए फिर एक यहाँ पर जैकपॉट ट्रेड आपके लिए हो सकती है। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से हैं मंडे के लिए और उनके बेसिस पर भी आपको अपनी किस तरीके से ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। करते हैं अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कि आपके लिए मंडे को आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो मार्केट का हमारी क्लोजिंग ही है, यानी मार्केट ने जहाँ पर फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी 18,668 का, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मंडे को, क्योंकि अगर आपको पता है कि मंडे अगर गैप डाउन ओपन हुई तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 18,668 पर मार्केट ने यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ भी देखें तो आप सपोर्ट लिया, इससे पीछे भी मार्केट ने काफ़ी टाइम इसी लेवल पर सपोर्ट मार्केट ले चुकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड ओपन होती है तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपके लिए निकल कर आएगा 18,720 का, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। और नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 18,760 का है, थोड़ा पास ही है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले भी मार्केट ने इस लेवल की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, यहीं पर मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेकर मार्केट बार बार चल रही है। तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं लेवल सभी। अब बात करते हैं अपने सपोर्ट की, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो 18,000 यहाँ पर 640 का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को अपने यानी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो देन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर 18,580 का रहने वाला है। ये सपोर्ट हमारे थोड़े पास पास हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीछे हमारी मार्केट काफी टाइम से यहां पर कंसोलिडेट थी, तो आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 18,000 यहाँ पर 536 का रहने वाला है और देन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 18,000 यहाँ पर 500 का रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट अपने इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को नेक्स्ट वीक ब्रेक कर देती है, यानी अगर मंडे को ही ब्रेक कर देती है, मार्केट में कुछ हमारी ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, तो नेक्स्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 18,400 हमारा निकल कर आएगा। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 18,400 हमारे लिए ब्रेक हो जाता है तो देन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो 18,000 हमारे लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है। तो मार्केट नेक्स्ट वीक को इस लेवल के डाउन साइड नहीं जाएगी और अप साइड के लिए 18,800 आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके अप साइड मार्केट नेक्स्ट वीक नहीं जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है। मान लीजिए मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हुई और फर्स्ट 5 मिनट में जब भी हमारी कोई कैंडल बनेगी, अगर उसका लो ब्रेक होगा तो आपको अपना यहां पर पुट पोजीशन को बनाकर चलना है। अगर उसी 5 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो आपको यहां पर अपनी कॉल पोजीशन को बनाकर चलना है, जो कि आपके लिए यहां पर निकल कर आएगा वो 18,720 निकल कर आएगा। अब बात करते हैं कि आपको ऑप्शन का कौन सा प्रीमियम आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। तो आपके लिए जो 18,650 का आपको पी लेकर चलना है, जो कि आपके लिए मंडे को काफ़ी ज़्यादा जैकपॉट होगा। ये प्रीमियम आपका यहाँ से 2 times या 3 times आपका इंक्रीज हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर इस 18,600 के लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, तो यही प्रीमियम उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा जैकपॉट प्रॉफिट दे सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये प्रीमियम लेना कितने पर है, आपको ये प्रीमियम यहाँ पर 90 to 100 के बीच में आपको ये प्रीमियम लेकर चलना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट आर्स के दौरान
दौरान हमारा कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है या कौन सी हमारी ट्रेंड लाइन है या कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बन रहा होता है वो सब कुछ हम आपको अपने चैनल पर अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के निफ्टी और फिन निफ्टी के मॉर्निंग में ही अपने इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आपको सेंड कर दिए थे, और उसके बाद हमने आपको यहाँ पर फिन निफ्टी में लॉन्ग लेग्ड डोजी के बारे में बताया था। और आपको पता है कि जब इस लॉन्ग लेग्ड डोजी का हाई ब्रेक हुआ तो देन मार्केट हमारी यहाँ से अपसाइड गई थी। मार्केट आर्स में तीनों इंडेक्सेस में यानी फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो कुछ भी बन रहा होता है वो साथ के साथ हम अपडेट कर देते हैं, और आप देख सकते हैं उसी के बेसिस पर हम भी यहाँ पर ही ट्रेड लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि यही सेम पैटर्न हमारा बैंक निफ्टी में भी बना था, और बैंक निफ्टी ने जब इसके हाई को ब्रेक किया तो देन आपको पता है कि मार्केट यहाँ से 43,800 तक डायरेक्ट यहाँ पर अपसाइड गई थी। और निफ्टी में भी हमने आपको बताया था कि 5 मिनट में हमारा ये चार्ट बना हुआ है और इसके रेंज ब्रेक का आपको यहाँ पर वेट करना है। तो यानी जो कुछ भी मार्केट आर्ट्स के दौरान बन रहा होता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, पर निफ्टी में भी ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा बना था, और हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसकी नेक लाइन ब्रेक होने पर आपको यहाँ पर अपनी एंट्री को लेना। और आप देख सकते हैं कि जब इसकी यहाँ से ब्रेक हुआ था तो यहाँ से मार्केट 30 पॉइंट अपसाइड गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट जब कंसोलिडेट होती है इसके बारे में भी हम आपको अपडेट कर देते हैं, और उसी के बेसिस पर हम आपको यहाँ पर एक कॉल भी प्रोवाइड करवाते हैं अपनी फ्री में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो कि जैकपॉट यहाँ पर होती है। और जो कुछ भी मार्केट आर्स के दौरान बन रहा होता है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर अपनी अगेन एंड अगेन यहाँ पर ट्रेड को लेते रहते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चार्ट एनालिसिस को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।